हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिवलिंग प्लान्स। तो व्यूअर्स, ये जो है हैदराबाद रोड साइड, हैदराबाद मतलब बीदर जहराबाद के बीच में लेआउट डाले हुआ है ईएमआई स्कीम पे। तो मंथली ईएमआई 50 मंथ्स का ईएमआई है 30/40 श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर कॉलोनी। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत सारे लोग आके आए, लेआउट सब डाल रहे हैं, ठीक है, बट उसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, मतलब जो मेन गेटेड कम्युनिटी बोलते हैं, वहाँ का मेन एंट्रेंस का गेट का डिज़ाइन अगर आपको चाहिए तो इस तरह से बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा और सुंदर डिज़ाइन बनाएगा। कलर कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बताऊँगा जूम करके। और ऐसे देखिएगा, दो पोर्शन लिएगा, मेन है, मेन सेंटर, मेन लाइन, ओके, यहाँ से आप पूरा एंड तक जा सकते हैं। और तो इसके लिए जगह कितना चाहिए, तो देखिएगा लगभग आपको 30-35 फीट तो जगह चाहिए। ये जो गेट आप देख रहे हैं, एटलीस्ट डेढ़ लारी जाने जैसा, मतलब डेढ़ लारी, तो मतलब अगर एक लारी जा रहा भी समझो, बीच में से एक या पोर्शन में से, तो बीच में एक 2 फीट और इस तरफ 2 फीट का गैप रह जाएगा। सेम उसी तरह इस तरफ भी ओके। एंड इसका हाइट, वेट, डेप्थ मैं बताऊंगा। यहाँ पे गार्ड रूम का लगभग साइज़ बोलता है आपको 8x8 तो रहना चाहिए, गार्ड रूम बोले तो भी। सो 8x8, 8x6 कंफर्टेबल रहे, एटलीस्ट 8x8 रहा तो अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 8 फीट लगभग है गार्ड रूम। एंड ये जो गैप देख रहे हैं गेट, ये वाला गेट, एटलीस्ट इसको 12 फीट तो चाहिए, 12-13 फीट। सेम उसी तरह इधर 12-14 फीट के बीच में, बिकॉज़ ये आपका मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हैवी व्हीकल्स जो भी हो वो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए, ओके। फिर उसके बाद जो एंड रहता है वहाँ पे अब 4 फीट से लेके 6 फीट के बीच में वो बनाया गया, ठीक है। फिर इसका हाइट, जब हम हाइट की बात किए तो इसका हाइट जो है लगभग 20 फीट तक है, 2 मंजिला इमारत की जैसे, यहाँ से यहाँ तक 10 फीट, बाकी का जो है 10 फीट। एंड ये जो लिंटल जैसा जो उसके अंदर ही जो लाइटिंग बनाया गया है ना, उसका हाइट जो है लगभग आपको ज़मीन से अराउंड 18, मान लीजिए टोटल एक 20-22 फीट है, तो वो जो है ऊपर से नीचे से ऊपर तक जो है 18 फीट हाइट पे बनाया गया, ताकि लारी हो या फिर जो भी हो तो अच्छा दिखता है ना। तो इसको टोटल अभी मैं बताऊँगा हाइट और विड्थ। विड्थ चाहिए आपको 35-40 फीट इन बिटवीन, 35 फीट कम्फर्टेबल रहेगा, एंड टोटल हाइट जो है आपको 22 फीट, ओके। इस तरह का एक मेन एंट्रेंस गेट बनाना चाहते हैं तो आप अपना खुद का लेआउट के लिए, एक्चुअली ये जो उस ओनर को हेल्पफुल रहेगा जो लेआउट बनाते हैं। एंड नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊंगा या फिर नज़दीक जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे सिक्योरिटी रूम, यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा ये सिक्योरिटी रूम है जिसका साइज़ लगभग 8x10 ऐसा कुछ है, तो कम्फर्टेबल बनाया गया। एंड एक सामने ग्लास, अब चाहे तो इसको साइड यहाँ पे भी ग्लास लीजिएगा, अच्छा रहेगा, बिकॉज दोनों तरफ से रहे तो और बेटर। एंड उसके ऊपर, मतलब ये सिर्फ उसके ऊपर, अगर बीच में लिया तो नहीं जमेगा, उसके ऊपर जो है स्लैब के अंदर ही ऊपर ऐसा तीन दिया गया, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखे, एक एक सिंगल ब्रिक से बनाए गए ये जो है कॉलम। फिर उसके टॉप पे टेरेस, बीच में थोड़ा सा गैप, तो इसका विड्थ कितना है, ये जो देख रहे हैं ना, इसका विड्थ आपको लगभग जो है 8 फीट तक मिल जाएगा, मतलब यहाँ से 1.5 फीट, इधर 1.5 फीट छोड़ के बाकी का जो बनाया जाता है वो जो है बीच में जो गैप देख रहे हो वो 9 इंच है, ओके, थिकनेस 4 इंच। एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम है, ब्रिक वर्क भी बना सकते हैं, ब्रिक वर्क का बनाया गया। और जब जूम इन करके देखेंगे तो इसको इस तरह से बीच में 1 इंच का ग्रो गैप दिया गया, ये वाला 1 इंच। एंड इसका जो है 1-1 फीट, 1 फीट 2 इंच या फिर 1 फीट 1.5 फीट का भी आप ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो दिख रहा है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस 1 फीट 3 इंच का ही है, 1 फीट से बढ़कर ही दिख रहा है, ओके। जब मैं पैर रखूँगा, ये मेरा 1 फीट का है, तो आगे पीछे थोड़ा सा जगह मिल रहा है ना आपको, सो 1 फीट 3 इंच। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक आ चुके हैं, ओके दोस्तों। इस तरह से आपको अपना घर का नया लेआउट डालना चाहते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं, आप अपने खुद के ओनर रहा तो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कीप सपोर्ट मी टू रीच 1 मिलियंस, अभी तो 1 मिलियन हो चुके हैं, कीप सपोर्ट मी टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस एज इंडियाज़ नंबर 1 हाउस कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल।